ये लीजिए बाबूजी, चाय पी लीजिए। जीती रहो बहू। माँ जी चाय लीजिए। हाँ रख दो। ये चाय लो लीला, लाओ इधर। जा जाकर सारे कपड़े धो डालना और अच्छे से साफ होने चाहिए। जी माँ जी। और हाँ सुन, मेरे भी 3 सूट गंदे पड़े हैं, उन्हें अलमारी से निकाल लो। ध्यान रहे, और बड़े कीमती सूट हैं, इतने ना पाएं, वरना तुम्हारा बाप भी खरीद के नहीं दे पाएगा। अरे जब औकात ही नहीं है तो बेचारी का बाप देगा कहाँ से। चाची लीला दीदी तो कल शाम को ही अपने ससुराल चली गई। ये लीजिए दूध पी लीजिए। तुम तो मेरा बच्चों जैसा ख्याल रखती हो पूजा। एक बात पूछूं? पूछिए। तुम यहाँ खुश तो हो ना? आप जैसा जीवन साथी पाकर दुनिया की कौन सी लड़की खुश नहीं होगी। मैं तो अपनी जानता हूँ, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। ये सब शनि देव की महिमा है। यहाँ भैया भाभी के साथ रास रचा रहे हो और उधर माँ बुखार से तड़प रही है। क्या कह रही हो माया? किसी को माँ की परवाह तक नहीं। माँ की तबीयत खराब थी और तुमने मुझसे बताया भी नहीं। माँ जी तो बिल्कुल ठीक थी अभी तक, फिर अचानक उन्हें बुखार कैसे आ गया? लो भैया सुन लो। अरे तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? मैंने ऐसा नहीं कहा है माया। हाँ हाँ तुमने तो कुछ कहा ही नहीं, हम तो नाटक कर रहे हैं। भैया जब आपको अपनी श्रीमती से फुर्सत मिल जाए तो माँ को आके देख लीजिएगा। माँ आज तो लगता है मेरे प्राण ही निकल जाएंगे माया। नहीं नहीं माँ ऐसा मत बोलो, तुम्हारी बेटी अभी जिंदा है। तू सच कह रही है बेटी, आजकल के बेटे तो अपनी बीवियों के गुलाम हो जाते हैं। माता पिता को कौन पूछता है। हाय 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 क्या हुआ? मेरा बेटा तू आ गया। माया मेरा बेटा मेरे बगैर नहीं रह सका। हाँ माँ अब तुम ज्यादा मत बोलो वरना तबीयत और बिगड़ जाएगी। माँ तुम्हें बुखार तो नहीं है? अरे बुखार तो माया की सेवा से उतर गया होगा। तुम्हारी बहू पूजा भी खड़ी है माँ, इसे यहाँ क्यों ले आया बेटे? इसे मेरी परवाह कहाँ है, इससे कहते चली जाए यहाँ से। माँ तुम्हारी बहू है पूजा, तुम्हारी दुश्मन नहीं। माया इससे कह दो बाहर चली जाए वरना मेरी तबीयत और बिगड़ रही है। अरे महारानी जी अब काहे खड़ी हो यहाँ, मेरी माँ को परलोक पहुँचा कर ही जाओगी क्या? माया तुम्हें इस तरह से अपने भाभी से नहीं बात करना चाहिए था। बहन को क्यों डांट रहा है,
सही तो कह रही है माया, तू जब से इसे ब्याह कर लाया है मेरी तो हमेशा तबीयत खराब रहने ही लगी है। हाँ भैया, सनी देव की मूर्ति जब से लेकर आई है तब से घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है। बोलो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम सनी देव की मूर्ति घर से बाहर निकाल दो। क्या कह रहे हैं आप? सनी देव की कृपा से हम सुखी हैं। ये सनी देव सारे संकटों से रक्षा करते हैं। इन्हीं की दया दृष्टि से हमारे आपके जीवन में सुख शांति है। पूजा, मैं तुम्हारा ये धार्मिक उपदेश नहीं सुनने आया हूँ। जो मैंने कहा वो करो। ये सनी देव की मूर्ति मेरे मुंह बोले भैया भोले ने दी थी और कहा था इन्हें हमेशा अपने पास रखना। मैं इन्हें कैसे बाहर निकाल सकती? अच्छा, तो तुम्हारा मुंह बोला भाई पति से बढ़ क्या हो गया है? नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, आप तो हमारा जीवन है। पूजा, तुम लोगों को तो मालूम है कि हम जुआ तो नहीं खेलते। कौन कमबख्त कहता है तुम जुआ खेलो यार। अरे लगा के दर्द दूर हो। अरे लीजिए ना, ये शराब जुआ तो बड़े बड़े राजा महाराजा करते थे, तुम भी करो ना यार, मजा आएगा। ये हुई ना कोई बात। अरे अजय बाबू, अरे चढ़ ही गई हमको। हाँ, कल आइएगा तो जरा माल पानी लाइएगा। है ना, बहुत सारा मेरे बाप का पड़ा है ना, कस के लाइएगा। अरे आएगा जी, हम लोग क्या बात करते हैं। मुझको यारो माफ करना, हम नशे में।